उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं एक छोटी सी गली है, वहां पर एक तेज रफ्तार बुलेट ने पहले एक व्यक्ति को अपनी बाइक से कुचला, उसके बाद जब वो व्यक्ति सड़क पर गिर गया तो कितनी बुरी तरह से ये व्यक्ति जो बाइक सवार है, बाइक चालक है, लात और घूंसों से बुरी तरह पीट रहा है। तभी पीट रहे व्यक्ति के एक साथी ने आके उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो बुलेट चालक, वो बाइक सवार जो बाइक पर बाइक चला रहा था, आप देख सकते हैं वो उसके दोस्त को ही पीछे से पीटने के लिए भागता हुआ भागा। और आप देख सकते हैं किस तरह से बेखौफ बीच सड़क पर, बीच गली में लगभग कई सारे लोग मौजूद थे, वहां पर खड़े होकर उनके सामने जिसके चोट लगी थी, जो जिसको बाइक से टक्कर मारी गई थी, उसको कितनी बुरी तरह से पीट रहा है। आप देख सकते हैं वायरल वीडियो में कि इस दबंग के किस कदर हौसले बुलंद है। लात और घूंसों से इतनी बुरी तरह से पीट रहा है। गाजियाबाद में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आप देख सकते हैं, आप इस वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से एक बाइक चालक एक व्यक्ति को पीट रहा है। तो आइए देखते हैं इस खास पर क्या है पूरा मामला, वीडियो कहाँ का है, अब तक आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से वो मार रहा था, जान से मारने के इरादे से ही किसी की वो इतने बुरी तरह से पीट रहा था। तो आइए देखते हैं इस खास खबर को, हमारे साथ हैं सीओ सिटी गाजियाबाद, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि गाजियाबाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अभी तक कोई अभियोग पंजीकृत किया है नहीं, कोई गिरफ्तारी की है नहीं। आइए देखते हैं इस खास खबर को। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुलेट मोटरसाइकिल से एक युवक को टक्कर मारते हुए का वीडियो है, क्या है पूरा मामला? सर एक 25 तारीख को घटना हुई थी जिसमें कि एक बादल नाम के लड़के के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक अजय उर्फ गोविंदा नाम के लड़के के द्वारा उसे बाइक से टक्कर मारा गया और टक्कर मारने के बाद उसके साथ मारपीट की। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और टीम गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। उसी क्रम में आज जो अभियुक्त था अजय उर्फ गोविंदा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।